भारती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकफास्ट लंच डिनर पे आने के लिए। आज का ये फर्स्ट पड़ाव है जिसे हम होम मेकर इस सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं, और हमारी होम मेकर्स को एक नई पहचान देंगे और हाउसवाइफ इस टर्म को हम इराडिकेट करेंगे। एक नंबर, बहुत ही बढ़िया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। होम मैनेजर इस सीरीज में आपका स्वागत है। होम मैनेजर क्या होता है? ये वो औरत है जो हर घर संभालती है, हर गृहस्थी संभालती है, जिसके बिना कोई भी काम अधूरा है। चाहे वो आपकी शॉपिंग लिस्ट हो, या आपकी ग्रोसरीज हो, किचन हो, कपड़े हो, या कोई भी बिलिंग हो, इसके बिना आप कोई भी घर का काम पूरा नहीं कर सकते। पर आप उसे किस वर्ड्स से नवाजते हैं? हम इन्हें कहते हैं हाउसवाइफ। क्या इन्हें हाउसवाइफ कहना सही है? जो जो मेरे साथ हैं, प्लीज़ हम इस हाउसवाइफ टर्म को इराडिकेट करने के लिए आज से मुहिम उठाएंगे। तो चलिए, होम मैनेजर सीरीज में आज मैं आपको लाई हूँ भारती काटेकर की रसोई में, जिसे पुणे बिल्कुल नहीं पता था, जो लातूर की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न है। फिर भी यह 23 साल से बिना किसी की मदद के अपनी गृहस्थी संभाल रही हैं। चलिए आज चलते हैं उनके किचन में। दिस इज भारती काटिकर, महेश्वरी के ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज महेश्वरी की वजह से मुझे एक नई पहचान मिलने जाने वाली, ना आप मुझे बल्कि आप सबको, सबके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इसकी वजह से हमें एक नई पहचान मिलने जा रही है, होम मेकर या होम मैनेजर। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ चाइनीज कटोरी। तो चलिए सीखते हैं मेरी तरफ से चाइनीज कटोरी। और हम भारती काटेकर का हार्दिक स्वागत करेंगे ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर पे। थैंक यू। और मेरी उन सारी होम मेकर्स, होम मैनेजर्स से ये दरख्वास्त है, जिनको भी आपकी रेसिपी लोगों तक पहुँचानी है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं अपना ईमेल एड्रेस शेयर करूँगी, आप उसमें मुझे अपने पर्सनल डिटेल्स जरूर भेजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इनके किचन की तरफ। यस, आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स है मैदा, थोड़ी सूजी, पीर जिंजर, कैरेट, कैप्सिकम, प्याज है, हरी मिर्च है, धनिया है, लाल मिर्च, तिल, ए धना और जीरा है, हल्दी है, स्वादानुसार नमक है, कैबेज है, चाइनीज़ नूडल्स है, ए रेड चिली सॉस है, ए सोया सॉस है, ए ग्रीन चिली सॉस है, और ए शेजवान चटनी है, और कॉर्नफ्लावर। चलिए, इसका बेसिक डो बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 कटोरी मैदा एंड थोड़ी सी सूजी। ये कितनी सूजी है फिर भी भारती काटेकर? ये एक छोटा कटोरी से 1 कटोरी, लगभग 1.5 टेबल स्पून, 1.5 कटोरी मैदा और 1.5 टीस्पून टेबल स्पून सूजी। सूजी और इसमें डालेंगे हम स्वादानुसार नमक। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे अजवाइन और जीरा, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें तिल, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इसमें भी लाएंगे हम लोग 2 टेबल स्पून ऑयल। बस ओके। अब इसका हम डो बनाएंगे। जब तक हमारा ये डो गून रहा है, मैं कुछ सवाल पूछूंगी भारती जी से। ठीक है भारती जी,
आपकी अभी तक की लाइफ स्टोरी क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी, आपका स्ट्रगल एज? बिल्कुल। यस मेरी 2000 में शादी हो गई, तब पूना के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आई थी और उस मुकाबले पूना बहुत बड़ा था, तो अच्छा सब कुछ नया था, बहुत मुश्किल था इतने बड़े माहौल में, ओ माहौल में से ए माहौल में एडजस्ट होना, बहुत तकलीफ़ हो गई। लेकिन मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने मुझे बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझाया और अपने अपना बनाया और नई नई चीज़ें सिखाई। लेकिन जब भी मैं बाहर कहीं जाती थी, सब लोग, मैं तो घर संभाल के मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन सब बोलते थे हाउस वाइफ। लेकिन जब अजमाहेश्वरी ने हाउस मैनेजर ये जब वर्ड यूज़ किया, तो सच में मुझे बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा कि मुझे कोई डिग्री मिल गई है ये, और आज तक के जो मेरा अनुभव है, जो स्ट्रगल है, उसमें इसने जो मुझे ये डिग्री दी है, इसकी वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ। भारती जी, आपका डेली शेड्यूल क्या होता है? हाँ, सुबह मैं 6 o'clock को उठती हूँ, ओके घर का थोड़ा काम रहता है सुबह, फिर बच्चों का टिफिन, हस्बैंड का टिफिन, घर की साफ सफाई, ओके पूजा, नाश्ता, खाना, सबका सबके हाथ में देना पड़ता है, तभी लोग ये बाहर जा सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। ये बात तो सब लोग मानते हैं कि मेरी बिल्कुल वजह से ही है सब कुछ वो पा सकते हैं, वो सक्सेस मिला सकते हैं। इतना अचीव किया मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने, तो बोलते मम्मी तेरी वजह से, तू घर में इतना हमारा ख्याल रखती है। हस्बैंड बोलते तू है तो ही मेरी दुनिया है, तू है तो भी मैं बाहर इतना सक्सेस अचीव कर सकता हूँ, तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात ही सब लोगों को पसंद, बोले तो लोग नहीं मानते, औरत क्या है बस। यस भारती जी, जैसे आपने कहा कि आप हर चीज सबके हाथ में देती हैं, जी हाँ, ये इंडिया का कल्चर है, जी हाँ, क्या आप इसे सही समझती हैं? कितना किस हद तक ये कल्चर योग्य लगता है मुझे आपको? लगता है हमारे जनरेशन तक ही चलेगा, आगे के जनरेशन में ये नहीं चलेगा, क्योंकि आगे दोनों भी कमाते हैं, दोनों को भी बाहर पढ़ना पड़ता है, कमाने के लिए स्ट्रगल दोनों को भी है, तो करेक्ट ऑब्वियसली हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर ही करना चाहिए और करना ही चाहिए। लेकिन एक बात खुशी की है कि अभी लड़कियों को भी वही दर्जा मिल रहा है जो लड़कों को है, जो हमारे जमाने में शायद नहीं था। अभी बातें करते करते यहाँ पर हमारा डो बन गया, अभी हम इसको 10-15 मिनट्स के लिए साइड में ढक कर रखेंगे, और ये कितना सख्त हुआ है, फिर भी देखो इसका बहुत ऐसा, सख्त है, हाँ बहुत करेक्ट, सख्त करना पड़ता है इसको। अभी ओके इसको हम लोग 10-15 मिनट्स के लिए ढक कर रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ए वेज हक्का नूडल्स का एक पैकेट लिया है और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये पूरा नूडल्स भीग जाने तक इसको अच्छे से भिगाना है और इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑयल, और इसको हम 5 से 10 मिनट तक ऐसे भिगो के रखेंगे। एक बाउल में 2 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसका एक पानी डालकर इसका एक घोल बनाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके आप इसमें पानी ऐड हाँ, कीजिए, ताकि उसके, लम्स फॉर्म ना हो। हाँ उसके लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका ऐसा घोल ये बनाएंगे। पतली स्लरी होगी या गाढ़ी होगी? देखिए जो मैंने घोल बनाया है कॉर्नफ्लोर और मैदे का, उसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल इसी तरह। अभी हमारे ये नूडल्स भीग गए हैं, अभी हम इस नूडल्स में इस घोल को ऐड करेंगे, और मैंने ये साइड बाय साइड पैन में ऑयल बॉईल करने को रखा है, और उसको हम लोग नूडल्स को फ्राई नूडल्स को करना फ्राई है। करेंगे। यहाँ पर भारती जी ने नूडल्स में से पानी निकालकर उसमें कॉर्नफ्लावर स्लरी ऐड कर ली है और इसे ये फ्राई करने वाली हैं।
यहाँ पर ये तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो हम नूडल्स बॉईल करके उसे फ्राई करते हैं उसकी बजाय ये ऑलरेडी क्रिस्प नूडल्स हैं, ये ज़्यादा भीगे भी नहीं हैं, ऑलरेडी ये क्रिस्पी हैं और इसे फ्राई करने के बाद ये और क्रिस्प हो जाएंगे, हाँ, आपका बॉइलिंग टाइम भी कट हो जाएगा और ये क्रिस्पी भी बनेंगे एक अच्छी टिप है। बहुत ही अच्छा। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऑयल में छोड़ेंगे और इसको डीप फ्राई होने देंगे। हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है इस इसको तरह से। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसमें अभी मैंने 15 से 20 कलियां लहसुन की और 7 हरी मिर्च ली है और 2 टुकड़े अदरक के, ये डालकर हम इसको मिक्सी में से ग्राइंड कर लेंगे। अभी मैंने जो फ्राई किए नूडल्स से डबल फ्राई किया है ये भी बनकर रेडी हैं, रेडी है। बिल्कुल क्रिस्प बने हैं ये। यहाँ पर जो हमने ये आटा भिगो के रखा था, अब इसका हम क्या ये करने अभी ये वाले हैं? आटा रेडी है कटोरी बनने के लिए। अभी हम इसकी कटोरी बनाएंगे। इसके 2 पार्ट करेंगे और 2 चपाती बेलेंगे। इसे कितना मोटा बेलना है फिर भी, हमारे नॉर्मल इसको चपाती जितना? उससे भी थोड़ा मोटा चाहिए ओके ताकि वो कटोरी का शेप वैसा की वैसा बने। पतला बनेंगे तो वो टूट जाएगा। अच्छा जो रहता है ना इतना अच्छा, इतना नमकीन लगता है इसमें, इतना खस्ता बनता है। इसमें जीरा है, अजवाइन है, तिल है, उसका जब स्वाद आएगा ना तो चाय के साथ भी ऐसे बना के आप बच्चों के लिए भी छोटी एक छोटी यूनिक पूरियां बना के रख यूनिक सकते हैं। ओके और ये टिकता भी है 15-20 दिन के लिए डब्बे में रख के। ओके इसका एक अपना अलग सा स्वाद रहता है। और ये चाइनीज कटोरी, चाइनीज के साथ तो इसका मजा ही है, कुछ और है। वैसे भी इंडियन चाइनीज को खाकर चाइनीज लोग भी कहते होंगे भाई वाह, ये तो हमसे भी टेस्टी बनाते हैं। तो चाइनीज वाले चाइनीज की रेसिपी के लिए रेसिपी को हमने एक कुछ अलग से बनाया है। इंडियन चाइनीज एक यस अलग ही यस क्विजीन है अपने यस आप में। इसको इस तरह से बेल लो। अभी ये जो कैबेज हमने लिया है इसको हम इससे पूरा रैप करेंगे। बिल्कुल पूरा ऐसा ढकेंगे, एक बॉल की तरह बनाएंगे। अपने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा है। इस प्रोसेस को बिल्कुल ही आराम से करें, यस, बिल्कुल हरी में ना करें। एकदम संभल कर फिर आंच बढ़ा दीजिए। और ये जो ऑयल है इसके ऊपर फ्राई करने के लिए छोड़ते छोड़ते जाइए। यहाँ पर हम करीब 5 मिनट से इसे एकदम धीरे धीरे फ्राई कर रहे हैं और ये कटोरी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसे बहुत ही आराम आराम से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। अब इस तरह से इन कटोरीज को हाफ में कट करना है और इस तरह से। अभी हमने जिस कैबेज के साथ बाउल बनाया है वो कैबेज को कट कर लिया है। उसके साथ कैप्सिकम, कैरेट, अनियन, जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्च का पेस्ट और ये धनिया, इसको चॉप कर लिया है अच्छी तरीके से। अब हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट। और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे।
इसको गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करेंगे। करेंगे ऑनियन, ये डिश एक टाइप से जंक भी है पर इसमें बहुत सारी वेजीज ऐड होने वाली हैं, तो एक तरीके से हमारा डेली फाइबर और विटामिन्स मिनरल कंटेंट भी इसमें आ जाता है। चटपटी की चटपटी डिश, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी ये डिश। ऐड करेंगे कैरेट। इस सारी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा भून लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्वाद भी आना चाहिए बिल्कुल और अच्छा भी लगना चाहिए, इसको पकना भी चाहिए अच्छी तरह से। और इसको चला लेंगे अभी, बाहर जो ठेले पर चाइनीज बनता है उनके बड़े बहुत बड़े बड़े गैस होते हैं तो वो जल्दी पकता है, घर में ही हमें इन्हें थोड़ा टाइम देना पड़ता है ताकि अच्छे से कुक भी हो जाए और इसका स्वाद भी अच्छा है। लेकिन इसको जब आप टेस्ट करेंगे बाहर का खाने का मन ही नहीं करेगा, इतनी स्वादिष्ट डिश है ये। बिल्कुल, मुझे देखकर ही बिल्कुल यकीन है इस चीज़ पर। दो मिनट तक इसको ऐसे ही चला देंगे। ये होती है हमारी होम मैनेजर जो आपकी न्यूट्रिशनिस्ट से लेकर आपकी हर चीज़ का ख्याल रखती है। जी हाँ, तो इसे बिल्कुल कम मत समझिएगा, ऐसा स्वाद तो आपको बाहर नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि नहीं, क्योंकि ये जो प्यार से बनता है ना, इतनी प्यार से तो बाहर कोई नहीं बनाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने भारती जी। कैबेज, अब इसमें जाएगा धनिया, बिल्कुल ताज़ा कटा हुआ धनिया बारीक चॉप कर लीजिए। कितनी सुंदर लग रही है ये डिश ऑलरेडी, बहुत ही हेल्दी। इसमें इंद्रधनुष के सारे कलर्स आ गए हैं सिर्फ नीला छोड़कर। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। आपके स्वाद अनुसार, अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप बढ़ा सकते हैं मिर्ची की मात्रा, लेकिन पहले से हमने इसमें हरी मिर्च डाली हुई है तो इसमें ज़्यादा इस ज़रूरत नहीं है कुछ ऐड करने की स्पाइसेस। 1 टेबल टीस्पून इसमें जाएगा, 1 टेबल टीस्पून रेड चिल्ली सॉस, 1 टेबलस्पून चिली ग्रीन चिली सॉस, ओके, बहुत बढ़िया, इतनी मस्त खुशबू आ रही है कि क्या बताऊँ, मुँह में पानी आ रहा है। और 1/2 टीस्पून सोया सॉस, इसको चलाते रहना चाहिए नहीं तो नीचे जल जाएगा। बिल्कुल, अब सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है नमक, तो छोटा स्पून लिया है मैंने, इस स्पून से 1 से 1.5 चम्मच बस हो गया। सॉल्ट, इसको भी चला लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी लगभग स्टफिंग तैयार हो गई है,
और एक लेयर ऐड होगा स्टफिंग का। जी हाँ, ये तो पूरा खाना, डिनर बोलो, लंच बोलो, ब्रेकफास्ट बोलो, जैसे माहेश्वरी का है उसमें ये पूरा परफेक्ट आता है। आप ब्रेकफास्ट के लिए भी खा सकते हैं, लंच के लिए भी और डिनर के लिए, और बिल्कुल सही कहा आपने। लास्ट में ये आएगा अपने आप में अपना एक धनिया। कंप्लीट मील लग रहा है, यस बहुत ही यूनिक लग रही है ये हमारी चाइनीज बास्केट। चलिए अब हम इसे करते हैं ट्राई। क्या आप देख सकते हैं, नूडल्स का लेयर है, सब्जियों का लेयर है, बिल्कुल कलरफुल है। बहुत ही बढ़िया, आप क्रंच को सुन सकते हैं, इतनी टैंगी स्पाइसी और यमी बनी है डिश, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर। यहाँ पे हम इस कटोरी को भी ट्राई करेंगे। मैं कब से अटेम्प्ट कर रही थी कि मैं ऐसे टेस्ट करूँ। बहुत ही बढ़िया बनी है डिश, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। इस चैनल पर बिल्कुल ट्राई की हुई रेसिपीज दिखाई जाती हैं, आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे कभी। माय गॉड, बिल्कुल सही कह रही थी भारती जी कि इस कटोरी की वजह से इस डिश को 4 चांद लग गए हैं। बिल्कुल, बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। एक नंबर, बहुत ही बढ़िया। भारती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकफास्ट लंच डिनर पे आने के लिए। आज का ये फर्स्ट पड़ाव है जिसे हम होम मेकर इस सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं, और हमारी होम मेकर्स को एक नई पहचान देंगे, और हाउसवाइफ इस टर्म को हम इराडिकेट करेंगे। थैंक यू माहेश्वरी, मुझे हाउसवाइफ से हाउस मैनेजर एंड हाउस मेकर बनाने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू आपका।